और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यहाँ पर आपको बताएं, बिजली कर्मियों ने फिर आवाज बुलंद की है। 2 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। आपको बताएं, यहाँ पर निविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति और विद्युत कर्मियों के निलंबन, इसके अलावा FIR समाप्त करने की मांग कर रहे हैं विद्युत कर्मचारी। और ऐसे में एक बार फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आश्वासन के बावजूद विद्युत कर्मियों की सुनवाई नहीं हुई है, ये आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, विद्युत कर्मचारियों ने फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है और अल्टीमेटम दिया है कि आश्वासन के बावजूद भी यहां पर बिजली कर्मियों ने सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। तो 2 अप्रैल तक का यह अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद एक बड़े आंदोलन की यहां पर चेतावनी दी गई है। नीतीश संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है? एक बार फिर से आंदोलन की बात की जा रही है विद्युत कर्मचारियों द्वारा। निश्चित तौर पे 2 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे दिया है बिजली कर्मियों ने और साफ तौर पे ये कहा है कि उनके जो निलंबन की निलंबन वापस हो, FIR जो उनपे हुई है उसका तो उसको समाप्त किया जाए। और इन सारी बातों पे आश्वासन के बाद भी अभी तक बिजली कर्मियों के खाते में कुछ भी नहीं आया है। उनका ये कहना है कि इन सारी बातों के बीच वो कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनी नहीं जा रही है। अगर आखिर निलंबन जब वापस नहीं हुआ है, FIR समाप्त नहीं हुई है, तो आंदोलन की वापसी किस मुद्दे पर? लिहाजा अब जो बिजली कर्मी है, जो विद्युत कर्मी है, वो दोबारा अपने आंदोलन पर जा सकते हैं, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2 अप्रैल तक हमारी मांगों को सुन लिया जाए, नहीं तो आने वाला जो दिन होगा उसमें आंदोलन भी हो सकते हैं। जी, शुक्रिया नीतीश जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है और तमाम आरोप लगाए हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक बार फिर से 2 अप्रैल से यहां पर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं ये विद्युत कर्मचारी, जिसकी वजह से उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है।